हेलो एवरीवन, आई एम दविंदर कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम विद दविंदर। टुडे वी विल डिस्कस द पोयम विंड रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती ऑफ क्लास 9 बुक बी हाइव। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय ए के रामानुज। सुब्रमण्यम भारती, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट्स, रोट विंड इन तमिल एंड ए के रामानुज आर रीनोन्ड इंडियन पोएट इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फेनोमेनन। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट विंड एंड इट्स पावर एंड डिस्क्राइब्स दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड यू नो वेरी वेल this poem is a symbolic poem. The wind symbolizes all difficulties, struggle and obstructions we have to face in life. Obstructions means problems of the life. Poet has linked the destructive power of wind to the difficulties of problem. He says that weak people break down, but the strong people come out of the difficulties of problem because they know how to overcome of these difficulties, but weak people can't overcome. So about these weak people, poet tells an important message through the poem that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. A weak person breaks down like a weak building and it crumbles. आपने देखा होगा जब strong wind चलती है तो जो वीक मटेरियल से जो बिल्डिंग तैयार की जाती है तो वो क्या होती है, इट ब्रेक्स डाउन एंड क्रम्बल्स। क्रम्बल्स मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सो वीक पर्सन को एक वीक बिल्डिंग से रिलेट किया हुआ है पोएट ने। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज अवर फ्रेंड्स विद अवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। ओके, सो वी शुड मेक फ्रेंडशिप किससे, डिफिकल्टीज से एंड प्रॉब्लम से जो है, हमें उनसे फ्रेंडशिप करनी होगी टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग एंड बोल्ड। वी मस्ट बी स्ट्रांग एंड बोल्ड। वी मस्ट हैव स्ट्रांग हार्ट एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी प्रॉब्लम। पोएट सेज दैट बाय बीइंग स्ट्रांग वी विल बिकम फ्रेंड्स विद द विंड। एज अ रिजल्ट वी विल बी ईजिली एबल टू टैकल द विंड एज वेल एज द डिफिकल्टीज we face in life. So it helps in achieving success and flourishing our lives. So क्या poet कह रहे हैं कि poet ये कह रहे हैं, message एक दिया हुआ उन्होंने आपको, that we should make friendship with the difficulties. अगर हम difficulties से friendship नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, so we can't face all the problems. So in जो hurdles है life की, चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, उनको फेस करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। सो वी शुड मेक अवर मेंटली स्ट्रांग एंड फिजिकली स्ट्रांग। ओके, सो दिस इज़ द मेन मैसेज पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन। विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So what poet is saying in this stanza, first of all aapko to ye dhyan mein rakhna hoga ki which figure of speech has been used here, personification, because poet is talking to the wind. Wind ko ek living being banaya hua hai isme, kyunki wo usse baatein kar raha hai wind se. So in first stanza, poet is talking to the wind. He requests the wind to blow gently and not destroy anything with its force. क्या बोल रहा है? Request कर रहा है कि अपनी force मत दिखाओ and don't destroy anything. Poet requests the wind not to break the shutters of the windows and scatters the paper here and there. He requests the wind not to throw down the books on the shelf. Okay, so next line of the poem, poet is saying, क्या poet कह रहा है,
पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा में कि कोई भी चीज़ है जो है डिस्ट्रॉय मत करो एंड डोंट ब्लो स्ट्रांगली, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लो मत करो एंड डोंट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विद इट्स फोर्स. सो व्हाट पोएट इज सेइंग इन सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. So what poet is trying to say in these lines of the poem? Poet says that wind spoils everything. It did not care any requests of the poet of not blowing strongly. The poet says that the wind threw everything down from the shelf and it also tore the pages of the book. The poet blames the wind to bring rain along with it. So we should understand that wind is destructive and it destroys everything. Got it? So in next line of the stanza, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So what poet is saying? That here poet says that the wind is so powerful that is breaking everything that comes in its way. Jo bhi uske raste mein aata hai, wind kya karte hai? Sab kuch destroy kar dete hai. So wind ko ek god ke liye, god wind bola hua hai, jo wind ke jo god hote hai. So he destroys everything. Jo bhi uske raste mein aata hai, wo sab kuch destroy kar dete hai. And you are very clever at poking fun at weaklings. पोएट सेज विंड को कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो एट पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, जो वीक पीपल हैं या वीक थिंग्स हैं तुम उनका मजाक अच्छे से उड़ा लेते हो. ऑल थिंग्स दैट आर वीक, पोएट सेज दैट वीक हाउसेज आर फॉलिंग, डोर्स आर ब्रेकिंग डाउन, बीम राफ्टर्स मीन्स जो बीम है दैट सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ऑफ जो सपोर्ट करते हैं बिल्डिंग्स को दैट इज कॉल्ड राफ्टर. सो बीम्स विच आर सपोर्टिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज फॉलिंग एंड ऑल द थिंग्स मेड ऑफ वुड मटेरियल आर फॉलिंग एंड ऑल द लिविंग बींग्स विच आर वीक ऑल्सो फॉलिंग. पीपल आर स्केयर्ड ऑफ विंड एंड देयर हार्ट्स आर बीटिंग एज एट फास्टर रेट, यानी कि जो जो छोटे बेबीज होते हैं वो भी स्केयर्ड हो जाते हैं. And जो plants and trees also destroys. So क्या होती है, wind god जो है वो सब कुछ destroy कर देता है. For example, wind जिस तरह से grain को small particle से अलग कर देती है, separate कर देती है, similarly wind god separates strong people from the weak people. Due to heavy and strong wind, all weak things fall and gets destroyed. Means जो हैवी एंड स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो वीक चीज़ें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो वॉट पोएट इज ट्राइंग टू से इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. हेयर द वर्ड ही इज यूज, सो इट मीन्स विच फिगर ऑफ हिज स्पीच इज यूज हेयर, personification. Because wind is living being in this poem and poet is talking to the wind, poet elaborates that wind blows all things which is weak. Poet says in this stanza wind will not listen to us and what we say, so instead of instructing the wind we should prepare ourselves. So we should build strong homes and close the doors tightly so that wind does not enter the home. We should make our body strong and our heart firm so that we can face these difficulties and overcome all the challenges. He says that by doing all these things, the wind will become friends with us, right? So next line of the poem, the wind blows out weak fires, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. So in these lines poet explains that wind is so strong
that blows all the things which are weak. Only those things which are strong remain, and friendship of wind is good. We should praise his friendship every day like a god. Poet says that we should not cry or consider ourselves weak when problems arise in our life. Instead, we should see them as an opportunity to explore our ability. Understood? So, क्या है पोएट क्या कह रहा है इन लाइनों में, दैट क्या है कि विंड जो है बहुत ही स्ट्रांग है एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो उससे डिस्ट्रॉय कर देती है, स्ट्रांग विंड. सो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं. सो जो स्ट्रांग होती है वही रह जाती है. एंड फ्रेंडशिप, विंड के साथ जो फ्रेंडशिप है वो पोएट कह रहा है वो बहुत ही अच्छी है. वी शुड मेक फ्रेंडशिप एंड वी शुड प्रेज हिज फ्रेंडशिप एवरी डे लाइक अ गॉड. सो वी शुड नॉट ट्राई और कंसिडर आवर सेल्फ वीक व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज इन अवर लाइफ. सो उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर आवर एबिलिटी. मतलब जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हुए हैं उस चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. सो देन वी विल बिकम स्ट्रांग. और जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करते करते हम क्या होते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं. सो उसके बाद क्या है कि हम सारी चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना सीख जाते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.